नमस्कार, आज हम लोग दिल्ली सेक्रेटरीट गए थे, कैलाश गहलोत जो मंत्री है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के, उनसे मिलने गए थे। कुछ बातें हमने रखने गए, हम लोग जो हड़ताल कर रहे उसको हम सब समर्थन दे रहे हैं। वहाँ पे हमने जो बात रखी थी, वहाँ पे हमने लिखित दे रखा हुआ है कि भाई अगर आप जो हमारे आज की डेट में जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो प्राइसेस पे लगाम लगाना चाहिए, या तो हमारे रेट्स बढ़ा दें, मीन सीएनजी पे लगाम लगे या हमें सब्सिडी दे, या तो हमारे जो रेट है वो 25 रुपये मिनिमम टू मिनिमम 25 रुपये, चाहे वो एसी हो चाहे नॉन एसी हो, 25 रुपये मिनिमम होना चाहिए। और जहाँ पे 1 RTE के जो मीटर चल रहे हैं, मीटर नहीं चल रहे तो मीटर के हिसाब से चलना चाहिए। अभी जैसे कि यहाँ पे और भी आए थे, ऑटो वाले भी आए थे, ऑटो यूनियंस के भी आए हुए थे, और काली टैक्सी, काली पीली टैक्सी वाले भी, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, हमें फेयर बढ़ाना नहीं है, हम अपने उसी फेयर में खुश है। तो फेयर तो हम लोगों को बढ़ाना है, तो जिसके लिए हमने लिखित बात दे दिया। और कैलाश गहलोत जी है, उनका बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने हमारी बातों को अच्छी ध्यानपूर्वक समझा, सुना और सारी चीज़ों को कंपेरिजन किया। उन्होंने ये तक भी देखा कि कितनी गाड़ियाँ 1 RTE में चल रही, कितनी काली पीली में चल रही, कितने ऑटोज़ है, सबका एक डेटा भेज, जो कि होती है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात की जाती है, वो चीज़ के हिसाब से बात की जाती है। और रही बात है कि वहाँ पर एक बात भी रखी गई है कि भाई से अगर उन्होंने ये पूछा, अगर 25 रुपये फेयर कर देते हैं तो इसमें असर नहीं होगा, तो हमारी तरफ से जो जवाब दिया गया है कि असर, देखो सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी ये एक लग्जरी है, कि लग्जरी आइटम में आता है, जिसको अगर सुविधा चाहिए तो सुविधा के हिसाब से पैसा कैटेगराइज किया जाएगा। ऑटो की सवारी ऑटो में जाएगी, ई रिक्शा की सवारी ई रिक्शा में जाएगी, अगर कैटेगराइज अगर सही हो जाता है तो सारी कुछ सही हो जाएगा। रही बात है कि 1 RTE के बारे में हम लोगों ने बात वहाँ पर भी चर्चा की कि 1 RTE वाले को कोई स्टैंड नहीं है, परफेक्ट कोई स्टैंड नहीं है, जैसे ही स्टैंड मिल जाता है तो, क्योंकि 1 RTE अगर रास्ते पे देखो तो 1 RTE वाले या कोई भी टैक्सी वाले रास्ते पे खड़े रहते हैं, मैं प्रॉपर जगह नहीं है, उनको एक स्थान मिल जाएगा तो उनके लिए भी बढ़िया हो जाएगा। बाकी बहुत सारी बातें रखी गई, बाकी हम लोग तो 18 तारीख को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो चीज़ हमको लिखित करनी थी वो हमने लिखित वहाँ पर जवाब दे दिया, क्योंकि हमको स्पष्ट रूप से वहाँ पर सारे कुछ करना है। रही बात है जो भी जिस भी गाड़ी में मीटर लगा हुआ, मीटर यूज चलती ही है वो गाड़ी, ठीक है, उनको उनका निर्धारित किराया 25 रुपये से जो भी है, 25 रुपये एसी हो चाहे नॉन एसी है, पर अगर वो ऐप बेस में चला रहे हैं तो उसमें भी हमने मंत्री जी को बोला, अगर वो ऐप बेस में चला रहा है, क्योंकि आज की डेट में ऐप बेस में ही लोग सारे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, टैक्सी मीटर वाली टैक्सी पर कम भरोसा कर रहे हैं, तो वो भरोसा वापस लाने के लिए यही चीज़ रहेगा कि जो टैक्सी जो इसमें क्या बोलते हैं ऐप बेस में रहेगा, अगर ऐप बेस वो चला रहा है तो ऐप बेस वालों को भी एक नोटिफिकेशन के थ्रू बता देना चाहिए कि अगर जो हमारी 1 RTE है, जो भी गाड़ी है, तो उसको जो नॉर्मल गवर्नमेंट द्वारा फेयर है वो मिलना चाहिए। ठीक है, मैं अभी ये बात अपने सचिन जी को भी देता हूँ, वो भी कुछ बात कर ले। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी सावन जी ने बोला कि हम सेंट्रल सेक्रेटरीट के दफ्तर आए हुए हैं, और कैलाश गहलोत जी जो हमारे माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री है, उनसे आज हमारी मीटिंग थी। आपके जो जितने भी 1 RTE के जो भाई हैं और बाकी भाई हैं, उनके सारे मुद्दे हमने रेट से रिलेटेड रखे हैं यहाँ पर, और ऑल ओवर की जो हमारी परेशानी है, बेस्ट कंपनियाँ जो हमें परेशान कर रही हैं, और रेट जो है हमारे जो है पहले जो सरकारी रेट है वो हमें अभी भी नहीं मिल रहे, तो अब जो CNG के रेट डबल हो चुके हैं, हाई हो चुके हैं, तो उससे रिलेटेड हमने बात करी, उन्होंने भी हमारे दुख दर्द को समझा, तो उन्होंने बोला ठीक है। और जो हमारे 1 RTE भाइयों को परेशानी है कि जैसे दिल्ली से बाहर जाते हैं, वो भी हमने परेशानी रखी है कि वो परमिशन वगैरह वगैरह लेनी पड़ती है, स्टैंड वगैरह, तो सब चीज़ हमने उनको बताया कि हमें भी प्रॉपर स्टैंड दिए जाएं, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपको स्टैंड भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, पर ड्राइवर भाइयों आपका सपोर्ट चाहिए तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। और ओला उबेर 18 तारीख को जो आप हड़ताल कर रहे हो, उसके लिए हम, हमारी टीम पूरा आपके साथ है, और हम आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे, जब तक ये ओला उबर हमारा कहना नहीं मान लेगी हम छोड़ेंगे नहीं उसको। ये कुंवरपाल जी लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंवरपाल है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी के पास आए थे, और उनका हमारे साथ जो बातचीत करने का तरीका था बहुत पारिवारिक था, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमारे साथ बातचीत की, हमारे सारे मुद्दे सुने, और हर मुद्दे पर उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया कि हमारे सारे कार्य जो भी हैं उन पर हम जल्दी से एक कमेटी बिठाकर इस पर जल्दी से हम संज्ञान लेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता कि 18 तारीख को हम फिर से प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप सभी ड्राइवर भाई चाहते हैं कि किराया बढ़े, किराया बढ़ने के लिए आप और CNG के दामों से परेशान होने के साथ ही आपकी जीविका चलाने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए ही हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी के लिए हम अपना
अपना रोजगार छोड़ रहे हैं, तो उस रोजगार का कोई फायदा मिलना चाहता है, तो 18 तारीख को जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन आप अपना किराया बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं या फिर अलग अलग दलों के साथ सिर्फ अपना चेहरा चमकाने करना चाहते हैं, इसको डिसाइड करके ही आप आगे बढ़ें। और आप चाहते ही किराया बढ़े तो सब मिलकर अपना मैसेज हमारे YouTube चैनल पर जरूर दें, जिससे कि आपका हम बढ़ चढ़ के हिस्सा दे सकें और 70 विधानसभाओं के अंदर आप अपनी टीम को मजबूत करें। आपके स्टैंड आपके 70 विधानसभाओं में बनते हैं तो आप ओला उबर जैसी कंपनियों को पिछाड़ सकते हैं। आपसे ओला उबर कंपनियां नहीं हैं, आप ओला उबर से हैं, सबसे बड़ी ताकत है आप। आपने गाड़ियां अपने दम पे ली हैं, आपने अपने परिवार के गहने जेवर जैसे प्रकार से खरकर एक गाड़ी खरीदी है, किसी ओला उबर के सारे नहीं खरीदी, अपने सारे खरीदी है। तो कृपया करके ध्यान दीजिए कि ओला उबर कंपनियों से आपको फाइट करनी है तो 70 विधानसभाओं के अंदर अपनी ताकत को मजबूत कीजिए, अपने स्टैंड बनाने की तैयारी कीजिए, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत।